अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। एडोबी फोटोशॉप की आज पांचवी क्लास है और पांचवी क्लास में आज हम ब्रश टूल सीखेंगे। ब्रश टूल क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड से हम बी प्रेस करेंगे, बी ब्रश टूल, या माउस से हम यहाँ ब्रश टूल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। ठीक है, तो आज हम ब्रश टूल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये एक सर्कल सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से शो होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये साइज़ नज़र आ रहा है 194 पिक्सल्स। ये साइज़ है हमारे ब्रश का साइज़ 194 है, हम इसे लेस करते हैं 66 पिक्सल। अब आप देखिए ब्रश का साइज़ हमारा छोटा हो गया। ठीक है, मैं इसके साइज़ दोबारा से बढ़ाता हूँ, 385 पिक्सल्स, ये और बड़ा हो गया। मैं और मैक्सिमम कर देता हूँ, ये इतना बड़ा हो गया, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है, मैं इसको 1000 के करीब लाता हूँ। अब ये हमारा ब्रश साइज़ है। ठीक है, यहाँ ये हमारे पास फोरग्राउंड कलर है। ठीक है, और नीचे वाले जो कलर है उसे बैकग्राउंड कलर कहते हैं, जैसे कि मैं काफ़ी क्लासेस में बता चुका हूँ। हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, लेट सपोज हम ब्राउन कलर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम आसानी से कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये कलर जो इसमें फिल हो रहा है, इसके साइडों पे आपको ये सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। ठीक है, हार्डनेस इसमें बहुत कम है, सेंटर में आपको हार्डनेस नज़र आ रही है, और जो उसकी कॉर्नर्स है, जितने भी साइडें हैं इसकी, इस पर आपको सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। ठीक है, हमें अगर कम्प्लीटली हार्डनेस चाहिए होगी ब्रश में तो हम उसके लिए राइट पहले से अंडू करेंगे, राइट क्लिक किया, यहाँ से आपको ये हार्डनेस नज़र आ रही होगी। ठीक है, इस वक्त इसकी हार्डनेस 0% है, तो हम इसे बढ़ा देते हैं, हम इसे ये 100% मैक्सिमम जाएगा तो हम इसे 80% रख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं, अब आप देखें इसकी हार्डनेस बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन इसके कॉर्नर्स पे अभी भी आपको स्मूथनेस नज़र आ रही होगी। मज़ीद मैं पहले ब्रश का साइज़ छोटा करता हूँ, हम यहाँ से भी ब्रश का साइज़ छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यह कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इससे हमारे ब्रश का साइज़ छोटा होगा। नहीं, कंट्रोल नहीं, एक मिनट, साइज़ हम यहाँ से रिमूव करते हैं, सिंपल लेफ्ट ब्रैकेट, स्क्वायर वाली लेफ्ट ब्रैकेट जो पी के बराबर में है, इससे ब्रश का साइज़ छोटा होगा। और अगर हम राइट ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे, राइट स्क्वायर ब्रैकेट, अब आप देखिए ब्रश का साइज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, हम नॉर्मली कोई भी साइज़ रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। अब हम यहाँ दोबारा आते हैं, यहाँ से हार्डनेस हमारे पास 80% थी, हम इसे 100% कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, तो अब आप देखें ये कम्प्लीटली आपको हार्डनेस नज़र शो हो रही है। ठीक है, मैं इसकी हार्डनेस कम करता हूँ, 0% पे ले आता हूँ। अब आप देखें साइडों पे इसकी आपको सॉफ्टनेस नज़र आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास एक स्क्रॉल शो हो रहा है, स्क्रॉल से जो हमारे ब्रशेज़ वगैरह होते हैं उसका साइज़ कम होता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। हम सबसे पहले इस कैटेगरी को ओपन करते हैं, जनरल ब्रशेज, इसमें आपको कुछ ब्रशेज़ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ब्रशेज होंगे, कुछ ब्रशेज़ होंगे जो कि सॉफ्ट राउंड होंगे, जो कि हार्ड राउंड होंगे, इस तरीके से डिफरेंट ब्रशेज़ होंगे। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल को इसको आगे कर रहा हूँ और देखिए हमारे पास ब्रश का साइज़ बड़ा शो हो रहा है, हमें ताकि हमें देखने में आसानी हो। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जितना चाहें हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है, इसमें से हम कोई भी ब्रश सेलेक्ट, अगर हम ये ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉफ्टनेस आप देखिए खुद ब खुद 100% हो गई है, लेकिन अगर मैं इस पर ब्रश कर सेलेक्ट करूँ, इस ब्रश पर
हमारे पास सॉफ्टनेस 0% आ गए, क्योंकि ये आपको शेप में ही सॉफ्ट नज़र आ रहा होगा और ये हार्ड है। तो ये हमारे पास चार जो हैं सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं और ये हार्ड ब्रशेज़ हैं। इसी तरीके से हमारे पास और कैटेगरीज हैं, ड्राई मीडिया ब्रशेज़, इसमें आपको कुछ इसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं उस पर आपको कुछ डॉटेड से नज़र आ रहे होंगे। अगर हमें कोई आगे जाके मैं मज़ीद जब डिज़ाइंस आपको बनाना सिखाऊंगा तो उसमें आपको फिर इन डॉट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले इस ब्रश को क्लिक करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ब्रश का साइज़ छोटा आ रहा है इस वक्त, ठीक है, तो इस वजह से आप उसको प्रॉपर नहीं देख सकते। तो मैं पहले ब्रश का साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप आ रही है। हम जिस टाइप को चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम बैकग्राउंड लेयर पे कभी भी काम नहीं करेंगे। हम जब भी काम करेंगे हम न्यू लेयर लेके काम करेंगे, ठीक है। न्यू लेयर लेने के लिए हम लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू में आएंगे और न्यू इस पर क्लिक करेंगे। ये हमसे पूछेगा लेयर का नाम, आपने अगर कोई सेलेक्टेड नाम रखना है तो आप रख सकते हैं, वरना आप ओके कर दीजिए, आपके पास एक न्यू लेयर बन चुकी है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से बनाना चाहूँ तो यहाँ से भी ये हमारे पास है न्यू लेयर, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा हमारे पास लेयर टू भी बन चुकी है, ठीक है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, हमें एक ही लेयर चाहिए। अब इस लेयर पे हम ब्रश टूल लेंगे, कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, हमारे पास ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया, लेकिन ब्रश टूल की शेप हमने दूसरी डिफरेंट सेलेक्ट की थी तो इस वजह से हमारे पास ये शेप आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपने अभी तक कोई ब्रश सेलेक्ट नहीं किया होगा तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉफ्ट राउंड या हार्ड राउंड सेलेक्ट होगा, ठीक है। वरना तो आप यहाँ सेटिंग से भी इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्रशेस कर सकते हैं। आप इस पर जैसे ही करेंगे तो हमारे ये आपसे पूछेगा कि आप रिसेट करना चाहते हैं, आप ओके पे क्लिक कीजिए। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रश सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इसमें डिफरेंट ब्रशेज हैं, आप जिस ब्रश पे चाहें काम कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये सेलेक्ट किया, अब ये थोड़ा लोड लेगा क्योंकि कुछ ब्रशेज़ जो हैं इसमें हैवी होते हैं, तो इसकी वजह से आपके सिस्टम पे सीपीयू की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है। हम कोई और ब्रश लेके ट्राई करते हैं, वेट मीडिया ब्रशेस। इसमें एक और ब्रश था जो कि स्पेशल इफेक्ट, जब भी आप ब्रश टूल यूज़ करें तो ब्रश का साइज़ खुद ही एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम आते हैं तो ये ब्रश की हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं ब्रश के टैब में, ठीक है। यहाँ हमारे पास देखें कि अब नॉर्मल है, डिसॉल्व है, बिहाइंड है, क्लियर है, इस टाइप के तो मोड्स हैं इसके, ठीक है, डिफरेंट मोड्स हैं। हम यहाँ एक कलर कर चुके हैं, मैं पहले डिफ़ॉल्ट ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये एक लाइन मैंने सीधी ड्रॉ की, अगर मुझे सीधी स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूँगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में चाहिए होगी तो शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा तो इसकी जो ओपेसिटी है बिल्कुल 100% है, ठीक है। इसमें जो कलर आ रहा है बिल्कुल सॉलिड कलर आपके पास आ रहा है। तो अगर अब मैंने यहाँ एक लाइन लगा दी है, ठीक है, मैं सेकेंड लाइन अगर लगाना चाहूँ, मुझे चाहिए बिहाइंड पे, इसके पीछे चाहिए, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखें इस ब्रश के पीछे ये लाइन लग रही है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ मोड में बिहाइंड सेलेक्ट किया है, ठीक है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये देखें इसके भी बैक पे ये लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर मैं यहाँ करूँगा तो इसके भी बैक पे ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तब ये देखिए इसके ऊपर ही कलर हो रहा है, लेकिन कुछ शेड आपके पास आ रहा है, ठीक है। कलर डॉच करता हूँ, अब ये देखें ये इसके ऊपर इसका शेड आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसकी बैक पे कलर सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन हम जब भी काम करेंगे हम इस मोड को नॉर्मल पे रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं ओपेसिटी पे, ठीक है। ओपेसिटी क्या चीज़ है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है,
अब ये लाइन देखिए, ये आपको जो कलर नज़र आ रहा है ब्लू कलर, ये बिल्कुल 100% है इसकी ओपेसिटी। ठीक है, अब मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर, यहाँ से ओपेसिटी पहले कम करता हूँ। ओपेसिटी हम ले आते हैं, डबल क्लिक करके हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 30% एंटर, और हम यहाँ से कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों के कलर में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 100% ओपेसिटी भी था और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की ये 30% ओपेसिटी है। ठीक है, ओपेसिटी मतलब कलर की जो मिकदार होती है, क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, वो कम हो जाती है इसमें। हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, अब आप देखें अगर मैं इसको इसके ऊपर भी ड्रॉ करूँगा तो आपको कलर नज़र आ रहा होगा वो, लेकिन वो दोनों कलर डिफरेंट है तो उसकी वजह से नया कलर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से मैं ओपेसिटी इसकी बढ़ा देता हूँ 74%, आप देखिए कलर डिफरेंट हो गए। ठीक है, मैं अगर मज़ीद इसको बढ़ा देता हूँ 100%, अब ये हमारे पास 100% पे जो हमारा कलर है वो ये कलर है। ये भी हमने ओपेसिटी कम की थी और यहाँ भी हमने ओपेसिटी कम की थी। ठीक है, ओपेसिटी के बाद हम आते हैं फ्लो पे। फ्लो क्या चीज़ है, हम सबसे पहले एक सिलेक्शन लेंगे, मैं सर्कल लेता हूँ, मैंने एक सिलेक्शन बना ली। ठीक है, सिलेक्शन क्या होती है, सिलेक्शन बेसिकली एक्टिव एरिया, एक्टिव मतलब जिस एरिया में हम काम कर रहे हो, ठीक है, वो हमारा एक्टिव एरिया कहलाता है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे अब जितने ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है वो बिलिंग से नज़र आ करता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ताकि आपको हाईलाइट हो सके कि हम इस एरिया पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ से कोई कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने सेलेक्ट किया ब्रश टूल। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन टूल मैंने सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज़ किया था, अब हम काम कर रहे हैं ब्रश टूल पे, तो हमने ब्रश टूल दोबारा से सेलेक्ट किया और यहाँ फ्लो है 100%। हम इसकी फ्लो को पहले तो हम 100% पे करते हैं। अब देखिए मैं इसके कॉर्नर्स पे कलर फिल कर रहा हूँ, आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका फ्लो कम करता हूँ 20% पे हम आते हैं एंटर, अब आप देखिए इसकी फ्लो आपको कम नज़र आ रही होगी। ठीक है, मैं फ्लो बिल्कुल लेस कर देता हूँ, अब आप देखें आपको ये कलर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक फ्लो भी एक ऐसा ही है कि जिसमें मतलब कलर की जो क्वांटिटी है वो कम से कम यूज़ होती है, जैसे ओपेसिटी है, ओपेसिटी में कलर की मिकदार कम हो जाती है, कलर डिम हो जाता है, इसी तरीके से फ्लो भी है। फ्लो में हमें अगर ज़्यादा कलर यूज़ करना होगा हम इसे 100% पे रखेंगे, कोई भी कलर अपना सेलेक्ट करेंगे, हम जैसे ही उसे फिल करेंगे वन टाइम में वो फिल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं फिल कर रहा हूँ, ये अब देखिए एक क्लिक में ही ये कलर फिल हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका फ्लो कम कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये एक क्लिक में कलर फिल नहीं होगा। हाँ, मैं इसके ऊपर बार बार चाहूँ जितनी बार चाहूँ कलर करूँगा, ये कलर हमारा ब्राइट होता जाएगा, मतलब फिल होता जाएगा, उसी कंडीशन में आता जाएगा, उससे भी तेज़ हो जाएगा हम जितनी बार इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम अपनी ओपेसिटी नॉर्मल रखते हैं, अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से कलर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसे ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कलर शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी ब्रशेज यूज़ किए थे, इस वजह से अंडू ज़्यादा बार करना पड़ा। ठीक है, मुझे एक सर्कल चाहिए, जैसे हम सर्कल में कोई शेड बनाते हैं लाइक 3D की तरह। ठीक है, तो हम वो ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ हम इसकी वैल्यू 10% करते हैं। ठीक है, एक मिनट, बल्कि 0%, 1% मिनिमम, 0% तो नहीं होती वैल्यू, मिनिमम 1% आपको रखनी पड़ेगी। और देखिए आप इस तरीके से फ्लोस का कम करके कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है स्मूथनेस। स्मूथनेस आपको पता होगा कि अब हम पहले सिलेक्शन लेते हैं,
हम यहाँ कुछ भी ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें, ये आपको हार्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हम इसकी हार्ड स्मूथनेस को यहाँ बढ़ा देते हैं 100%। ये आप देखें, अभी बस कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ब्रश टूल में, हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन था और ये हमारे पास मोड्स है, और राइट क्लिक करके अगर हमें ब्रश का साइज़ छोटा करना हो, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, और अगर आप माउस के थ्रू करना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करके, ठीक है, पहले हम क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, और क्लिक माउस का बटन रिलीज़ नहीं करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, या हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे हम राइट क्लिक को रिलीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं राइट साइड की तरफ माउस को मूव करूँ तो आप देखें इसका डायमीटर, इसका जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट साइड की तरफ इसे मूव करूँगा तो इसका साइज़ कम होता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं माउस को ऊपर की तरफ करूँगा तो आप देखें इसकी स्मूथनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। आपको हार्डनेस वगैरह इसकी कम होती हुई नज़र आ रही होगी, अब 0% आ गई। अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो आप देखिए हार्डनेस 70%, 80% और ये 100%, ये फुल सर्कल आपका हार्ड हो चुका है और ये यहाँ से सॉफ्ट हो चुका है। तो एक ये भी तरीका है ब्रश का साइज़ और हार्डनेस सॉफ्टनेस वगैरह कम करने का। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से ब्रश का साइज़ चेंज कर सकते हैं, या कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं, हार्डनेस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और या यहाँ से कोई भी आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली सॉफ्ट सेलेक्ट कीजिए, अपने ब्रश का साइज़ बढ़ाइए और आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रश टूल में हमें अगर कोई लाइन चाहिए हो, स्ट्रेट लाइन चाहिए हो, हम हार्ड ब्रश सेलेक्ट करेंगे। सॉफ्ट चाहें तो आप सॉफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड बेटर होगा क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करनी है सॉलिड कलर में, इस वजह से हम सिंपली यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये मैंने शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, जो आपको स्ट्रेट नज़र आ रही होगी। अब यहाँ से यहाँ ये देखिए, मैं अगर ख़ुद से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लाइन कुछ ठीक नहीं बन रही, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि स्ट्रेट लाइन हो, जिस एरिया में भी चाहिए हो, जैसी लाइन भी चाहिए हो, मैं यहाँ एक क्लिक करूँगा, मुझे अब यहाँ से यहाँ तक लाइन चाहिए, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अब देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, नीचे क्लिक कर रहा हूँ, एक और लाइन हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं मल्टीपल भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, वो कैसे, जैसे मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ यहाँ ये हमारे पास कुछ वैसी मैंने नॉर्मल लाइन्स ही बना दी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा। स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, वर्टिकल में चाहिए तो भी शिफ्ट प्रेस करना मस्ट है, ठीक है। और ब्रश की क्लास की आज छोटी सी क्लास थी, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास इतनी काफ़ी है क्योंकि ब्रश टूल एक छोटा टूल है। इंशाल्लाह हम आगे चल के पेन टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल वगैरह पर भी क्लासेस करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।